आज 15 अगस्त है, इंडिया के आज़ाद होने का दिन है, तो उनको मेरी तरफ से मुबारक हो आज़ादी। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? मैं ये अभी एक वीडियो दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देखें पहले। जी, ये वीडियो देखी आपने, कितनी बड़ी रैली निकाली है इंडिया ने आज 15 अगस्त के दिन। आपने कोई भी सियासी पार्टी का झंडा देखा उनकी रैली में? सब इंडियंस अपना झंडा लेकर निकले हैं, हिंदुस्तान का, इंडिया का झंडा लेकर निकले हैं। तो मुल्क जो है वो क्यों तरक्की करता है पता है आपको? मुहब्बे वतन लोगों से, जब अवाम के दिलों में अपने वतन के लिए मोहब्बत होती है तो वो अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है? लेकिन कल 14 अगस्त थी, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सियासी पार्टियों के झंडे उठाए और अपने वतन का जो झंडा है उसको आपने, इतना सा झंडा उठा के उसमें बड़े बड़े बांस लगाकर अपने वतन के झंडे की बेहुरमती की आपने, अपने वतन के झंडे का मजाक बनाया आपने, अपने वतन के जो जश्न आज़ादी का दिन है उसके खिलाफ आप लोगों ने कंपेन चलाई। तो क्या तुम बना सकते हो ऐसा मुल्क जो तरक्की करेगा? नहीं भाई, आप कभी ऐसा नहीं बना सकते। मुल्क तब तरक्की करेगा जब इसमें मोहब्बे वतन लोग होंगे, जब आप झंडे को देखोगे और आपके दिल में मोहब्बत मोहब्बत आएगी, तब जाके आप उस वतन के लिए कुछ कर पाओगे और उस वतन को आप बेहतर कर पाओगे। मैं 200 बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अपने वतन की फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में ऐसी ऐसे लोग आएँ जो कि मेरे मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ। मेरा तो किसी सियासी जमात से कोई सरोकार नहीं है। आप लोग खुद को इमरान खान वाला कहते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप अपने मुल्क के खिलाफ कंपेन चलाते हो, अपने मुल्क के झंडे को आप बेइज्जत करते हो, यार आपको शर्म नहीं आती? कि किस मुंह से आप कर लेते हो यार?